हेलो। यस सर। ओके आफ्टर दैट टॉपिक ऑफ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस वी स्टार्ट द टॉपिक एफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज? हम जब एक्सरसाइजेस करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उसके क्या अफेक्ट्स पड़ते हैं? एक्सरसाइज करने पर हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर क्या प्रभाव डालता है, उसके बारे में हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। सो द मेन ऑर्गन्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आर द हार्ट विच एक्ट एज पंप एंड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। वेरियस बॉडी पार्ट्स through blood vessels. Blood vessels. The main organ of cardiovascular system, the heart acts as a pump, and transport blood to various body parts through blood vessels. The network of blood vessels, the network of blood vessels are arteries. Capillaries, and veins. Veins spread throughout the body. So the main organ of cardiovascular system as the heart act as a pump, means the heart act as a pump and transport the bloods to various body parts through blood vessels. The network of blood vessels means different type of blood vessels. The network of blood vessels here, arteries, capillaries, and veins spread out throughout the body. यानी हमारे शरीर में चारों तरफ यानी पूरे body parts में ये आपके arteries, capillaries और veins फैले हुए हैं, एक जाल बना हुआ है जिसके through blood जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट आर्टरीज। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज
generally carry oxygenated blood. It's carry oxygenated blood from the heart and are divided into smaller branches into different branches. Different branches called capillaries. Arteries carry oxygenated blood. ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को कैरी करने का वर्क करता है टू द ब्लड एंड फ्रॉम द हार्ट. हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को कैरी करता है और इट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्मॉलर ब्रांचेस. डिफरेंट स्मॉलर ब्रांचेस में पहुंचाता है जिसको हम लोग कैपिलरीज के नाम से जानते हैं. सो द And another, that is the oxygenated blood. दूसरा है deoxygenated blood, यानी जो impure blood होता है. Oxygenated blood means pure blood. Oxygenated blood को हम pure blood के नाम से भी जानते हैं. दूसरा है deoxygenated blood, मतलब इसका just reverse. Deoxygenated blood means impure blood. Impure blood is passed on the veins. दूसरा है पार्ट्स वेंस. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स इज पास्ड ऑन द वेंस. Pass on to the veins, from different body organs. दो तरह से आपके ब्लड्स आर्टरीज जो होते हैं आपके ट्रांसफर करते हैं. पहला आर्टरीज ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो आपके हार्ट के थ्रू कैरी करते हैं. एंड इट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्मॉलर कैपिलरीज ब्रांचेस. स्मॉलर ब्रांचेस में भेजते हैं जिसको हम लोग कैपिलरी के नाम पे जानते हैं. और द इम्प्योर ब्लड्स आर यू कैन से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पास on to the veins from different body organs. The veins carry this impure blood. ये veins क्या करते हैं? Impure bloods को carry करते हैं. The veins carry this impure blood to the heart. Heart में पहुंचाते हैं, ठीक है. Veins जो है impure blood को heart में पहुंचाते हैं. And again which is sent to the lungs for the purification. Again hearts क्या करता है? उस blood को purify करता है, यानी impure blood को heart purify करता है. And the heart performs their two main function. आप जब blood purify करते हैं तो इस तरह से आपके क्या होते हैं, blood जो heart होता है दो तरह की functioning activity करता है. पहला, it circulates pure blood to all the body parts
इट कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, इसको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मीन्स पूरे शरीर में, पूरे ऑल द बॉडी पार्ट्स में जब ब्लड को पहुंचाया जाता है, सर्कुलेट्स किया जाता है, उसको हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा है पल्मरी सर्कुलेशन। पल्मरी सर्कुलेशन क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट्स टू द लंग्स। ये इम्प्योर ब्लड क्या है? लंग्स के थ्रू प्यूरिफाइड किए जाते हैं एंड दिस सर्कुलेशन इज टर्म्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस टर्म को हम पल्मरी सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। सो बाय दिस वे हार्ट्स वर्क इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इस तरह से हमारा हार्ट वर्क करता है एंड इन सबके एक्टिविटी से क्या होता है? इट एक्टिव द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड द एफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज कैन बी स्टडीड इन टू फॉलोइंग वेज। हम दो तरीके से इसको स्टडी कर सकते हैं। जनरली effects of exercise on the cardiovascular systems we studied in two ways. Firstly, a immediate effect of exercise and long term effect of exercise. First, immediate effect of exercise and second long term effect of exercise. एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के प्रभाव दो तरीके से प्रभावित करते हैं। पहला इमीडिएट इफेक्ट डालता है, यानी इमीडिएट हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म में प्रभाव पड़ता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the blood on the walls of blood vessels. Exerted on the walls exerted by the blood on the walls by the blood on the walls of the blood vessels. What are the blood vessels? Arteries, capillaries, veins. ये आपके blood vessels है, इसके ऊपर इसका pressure पड़ता है and this is caused by pumping action of the heart. और ये पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट के थ्रू होते हैं एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड। सो हार्ट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड। सो ब्लड प्रेशर इज ऑफ थ्री टाइप्स। ब्लड प्रेशर जो होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं। इट इज थ्री टाइप्स। फर्स्टली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सेकेंडली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर
blood pressure, and third is pulse pressure. देख लीजिए, ब्लड प्रेशर को के थ्री टाइप्स होते हैं. पहला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेकेंडली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड थर्ड इज पल्स प्रेशर. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज टोटली रिलेटेड विद द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर. मैक्सिमम ब्लड प्रेशर, इट इज मैक्सिमम ब्लड प्रेशर. एंड सेकेंडली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मिनिमम प्रेशर. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग द सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. सेकेंडली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग द डायस्टोल, उसमें सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और इसमें रिलैक्सेशन होते हैं ऑफ द हार्ट. इसमें आपके हार्ट की रिलैक्सेशन कंडीशन मेजरमेंट्स किए जाते हैं और इसमें आपके रनिंग कंडीशन सिस्टोलिक में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को चेक किया जाता है. ड्यूरिंग द सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को चेक करते हैं जिससे हमको मैक्सिमम प्रेशर के बारे में मालूम चलता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में मिनिमम प्रेशर हम फाइंड आउट करते हैं जब हार्ट जो है रिलैक्सेशन कंडीशन में पहुंच जाता है, यानी जो हार्ट बीटिंग होती है स्टॉप हो जाती है. ऐसे कंडीशंस में हम चेक करते हैं, दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. मिनिमम प्रेशर जहां पर होता है, लो प्रेशर जिसको बोलते हैं. एंड थर्ड वन इज द पल्स प्रेशर. पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. पल्स प्रेशर क्या है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग पल्स प्रेशर के को एनालिसिस करते हैं. दोनों का डिफरेंशन क्या होगा, यानी लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होंगे उसी को हम लोग पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं. सो what is the meaning of systole and diastole and pulse? इसमें word हमने use किया systole, इसके लिए हमने word use किया systole and diastole. what is the meaning of systole and diastole? सिस्टोल और डायस्टोल का मीनिंग क्या है? तो सिस्टोल और डायस्टोल मींस द टर्म सिस्टोल रिफर्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल. इज अ सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल. Contraction of heart muscle, that means systole. It totally refers to the contraction of the heart muscles. And diastole means the relaxation of heart muscle. Diastole means relaxation of the heart muscles. That means diastole. So the period of contraction systole is shorter than the relaxation or diastole. जो period होते हैं contraction के जो होते हैं shorter होते हैं किसके अपेक्षा, diastole period के. So the relaxation or the diastolic period is generally called pause. Pause kya hota hai? What do you mean by pause? Pause means the relaxation or the diastolic period
relaxation and diastolic period is generally called pause. Called pause. The relaxation or the diastolic, not and, or the diastolic. रिलैक्सेशन कह लीजिए चाहे डायस्टोलिक कह लीजिए, दोनों एक ही है, ठीक है। या सिस्टोल का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। रिलैक्सेशन और डायस्टोलिक पीरियड को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉज के नाम से जानते हैं। सो देयर इज टू थ्री वर्ड्स, सिस्टोल, डायस्टोल एंड पॉज। जनरली यू नो इसको जनरली जो होता है एक नंबर के जो मार्किंग स्कीम के तहत क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पॉज, पॉज क्या होते हैं। तो पॉज मींस डायस्टोलिक पीरियड इज नोन एज पॉज, और यू कैन से रिलैक्सेशन कंडीशन को ही हम लोग पॉज कहते हैं। सो पल्स रेट, नेक्स्ट पॉइंट इज पल्स रेट आफ्टर ब्लड प्रेशर। पल्स रेट, द टर्म पल्स रेट मीन्स द लेंथनिंग ऑफ द वॉल्स। इट मीन्स द लेंथनिंग ऑफ द वॉल्स। द लेंथनिंग ऑफ द वॉल्स of the arteries during the contraction and relaxation, during the contraction and relaxation, relaxation of the heart due to heart due to pressure changes, that means it is pulse rate. Pulse rate means the lengthening of the walls of the arteries during the contraction and relaxation. अभी इसके पहले हमने contraction और relaxation दोनों के बारे में बताया, means systole and diastole. Systole and diastole of the heart due to the pressure changes, that means pulse rate. Or you can say as a result of contraction of the heart, sudden dilation of the aorta takes place to accommodate the pressure of the blood. This pressure is transmitted in the form of a wave throughout the arteries. This wave is termed as pulse. इस wave को ही हम लोग pulse के नाम से जानते हैं. Means the pressures
is transmitted in the form of wave throughout the arteries के through जो होता है प्रेशर जो होता है एक वेव की तरह ट्रांसमिट होता है और इसी वेव को हम लोग पल्स बोलते हैं एंड द नंबर ऑफ पल्स बीट्स आल्सो नोन एज हार्ट बीट्स पल्स रेट को ही हम लोग हार्ट बीट के नाम से जानते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड पल्स रेट पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड पल्स रेट द पल्स रेट कैन बी टेकन एट द रिस्ट और एट द नेक पल्स रेट को हम लोग रिस्ट से भी ले सकते हैं और नेक से भी लिया जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम नेक्स्ट स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय द हार्ट द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड out by the heart into the main artery such that aorta 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 in one contraction or stroke of the left ventricle and stroke volume increases with the increase in the force of contraction of the heart that is the stroke volume so cardiac output after the stroke volume cardiac output cardiac output means the amount of blood pumped out by each ventricle into circulation per minute this output increases while performing muscular exercise cardiac output kab find out hote hain jab hum perform karte hain koi muscular exercise karte hain tab ye output increases hote hain so the amount of blood pumped out by each ventricle into circulation per minute that is cardiac output In previous classes already I have taught you about cardiovascular systems. In the previous lesson, what are the activities done for the fitness of the cardiovascular system? Cardiovascular system को fit रखने के लिए हम लोग कौन कौन सी activity perform करते हैं इसके पहले हम लोगों ने आपको आपको बताया होगा या अभी पढ़ाया है इसके पहले हमने पढ़ाया था कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बेस्ट रखने के लिए हम लोग कौन सी एक्सरसाइज करते हैं जनरली वी डू हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड रॉकपोर्ट 1 माइल वॉक टेस्ट अगर ये दो तरह की एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है वो मेंटेन रहेगा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट ये दोनों ही पॉइंट्स को अगर हम लोग इस टेक्निक्स का यूज करते हैं तो जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होगा काफी अच्छा हो सकता है सो फॉर मेंटेनिंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वी डू द एक्सरसाइज अबाउट द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट
Harvard, step test, and secondly Rockport, 1 mile test, 1 mile walk test. Walk test. By these two tests, we check the cardiovascular fitness. By इस दो टेस्ट से हम अपने cardiovascular system को fit maintain कर सकते हैं. So for the maintaining of cardiovascular fitness, we do this two type of exercises: Harvard step test and Rockport 1 mile walk test. What is the effect of these two exercises? ये जो दो exercises हम लोग करते हैं, या इसके अलावा भी बहुत और भी exercises जो होती हैं वो हम करते हैं, उसके क्या effects पड़ते हैं हमारे cardiovascular system पर? हमारे cardiovascular system को जो exercise है किस तरह से प्रभावित करती हैं? दो तरीके से प्रभावित करती हैं. पहला है, फर्स्ट ऑफ ऑल, इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज. इमीडिएट मींस हम एक्सरसाइज करते हो और तुरंत हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता हो. ऐसे एक्सरसाइज का इफेक्ट्स जो होता है हमारे हार्ट्स पर पड़ते हैं. इट विल बी डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द हार्ट्स बाय डूइंग दिस immediate exercise. Secondly, long term effect of exercise. और long term effect यानी लंबे समय तक इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम किसी activity को perform करते हैं तो exercise करते हैं तो उसका लंबे समय तक क्या प्रभाव पड़ सकता है cardiovascular system पर? तो first of all we know about the immediate effect of exercise. Immediate effect of exercise. What are the effects? Firstly, increase in heart rate. Increase in heart rate. Increase in heart rate is the resting heart rate of an adult remains at 72 beats per minute. ये सभी लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर resting condition में अगर हम रहते हैं, perform करते हैं, stable रहते हैं, तो जो हमारी heart beat होगी normal condition में 72 beats per minute की होगी. The best endurance athletes usually have 28 to 40 beats. लेकिन एक आम आदमी में और एक एथलीट्स में, स्पोर्ट्स पर्सन में काफी डिफरेंसेस होते हैं. जो उनकी हार्ट बीट होगी दोनों में ही अंतर होगा. एक नॉर्मल पर्सन होगा जो डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस नहीं करता है तो उसकी हार्ट बीट नॉर्मल कंडीशन में 72 होगी, और उसी नॉर्मल कंडीशन को अगर हम चेक करते हैं तो 28 से 40 बीट्स पर मिनट होगी किसकी? स्पोर्ट्स पर्सन की. सोच लीजिए, व्हाट इज द हाउ मच डिफरेंस इन बोथ, एक एथलीट और एक नॉर्मल पर्सन में दोनों में कितना अंतर है? एक एथलीट्स होगा तो उसकी जो हार्ट बीट होगी इन नॉर्मल कंडीशन में 28 से 40 होगी, और 72 बीट्स होगी एक नॉर्मल पर्सन की बीट होगी जो एक्सरसाइजेस नहीं करता है. सो जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है उसकी नॉर्मल हार्ट बीट होगी 72, और जो एक्सरसाइजेस करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं, उनकी जो पल्स, जो हार्ट बीट होगी आपकी 28 से 40 होगी. सो इवन बिफोर बिगनिंग ऑफ एक्सरसाइज द हार्ट रेट इंक्रीज इन एंटीसिपेशन. इट इज नोन एज एंटीसिपेटरी रिस्पॉन्स. व्हेन एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स एक्सरसाइजिंग हिज हार्ट रेट इंक्रीजेस एज पर द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज.
कैसा इंटेंसिटी है, कैसी ड्यूरेशन है एक्सरसाइज की, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है। यानी जैसा आप मेहनत करेंगे, जैसी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उसी के अनुसार आपकी हार्ट बीट भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है पॉइंट, इंक्रीजेस इन स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, अभी हमने स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में बताया कि किस तरह से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम वर्क करता है। तो इंक्रीजेस इन स्ट्रोक वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर बीट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज मेजर्ड इन मिलीलीटर पर बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली विथ इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज। इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज के बेस पर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं। एंड इन अनट्रेंड इंडिविजुअल्स द स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट रिमेंस 50 to 70 ml पर बीट। अगर रेस्ट कंडीशन में है, कोई भी व्यक्ति अनट्रेंड है और रेस्ट कंडीशन में है, तो जो उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम की जो रेट होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम होगा 50 to 70 ml पर बीट होगा। एंड इट इंक्रीज अप टू 110 to 130 ml पर बीट ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। और वो व्यक्ति जब रेस्ट कंडीशन में 50 to 70 ml बीट होती है, तो वो इंक्रीज होकर 110 से लेकर 130 तक पहुंच सकती है। किस समय? जब वो एक्सरसाइज की कंडीशन परफॉर्म करता होगा तब। सो इट इंक्रीजेस इन स्ट्रोक वॉल्यूम व्हेन एवर वी आर डूइंग एक्सरसाइजेस। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम ऑलरेडी इंक्रीज होगी, अदरवाइज रेस्ट कंडीशन में हमारी 50 टू 70 होगी। इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, इन कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट। इट इज मेजर्ड इन लीटर पर मिनट। कार्डियक आउटपुट इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। इफ आइदर हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस और बोथ द कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस ऑल्सो। The cardiac output increases proportionally with the intensity of exercise. At the rest cardiac output, it is about 5 liter per minute. But whenever we do during intense exercise, it can increase up to 20 to 40 liter per minute. 20 से 40 liter per minute क्या है? Increase हो सकता है जब आप intense exercise करते हो तो। That is the effect of exercise, immediate effect of the exercise. हमारे ऊपर एक्सरसाइज के इमीडिएट प्रभाव जो पड़ते हैं वो है इंक्रीजेस इन ब्लड फ्लो, फोर्थ इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो। The cardiovascular system can redistribute more blood to the those tissues which have immediate demand and less blood to those tissues which have less demand for oxygen. Natural है, जिस part में ज्यादा आवश्यकता होगी